You must be thinking कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँची और 20 लाख की जॉब छोड़कर एक YouTube चैनल क्यों शुरू किया। First thing first, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, because I'm still trying to figure out. Enjoy. तो अभी आप जिस लड़की को देख रहे हो वो एक्चुअली जॉबलेस लड़की है अभी। तो वो ये जर्नी शुरू हुई मेरे कॉलेज में जब मैंने चूज किया एक बहुत ही अजीबो गरीब सब्जेक्ट जो इन्फॉर्मेटिक्स, और इट्स ऑल अबाउट हमारा प्लैनेट कैसे काम करता है, हमारे प्लैनेट पे हम कैसे काम कर रहे हैं, मतलब हम अपनी ऊर्जा कैसे फैला रहे हैं। तो वो करने के लिए आई हैड टू ऑपरेट ऑन सैटेलाइट इमेजरीज। साउंड्स फैसिनेटिंग राइट? नहीं। इवेंचुअली जब आप कॉलेज में घुसते हो तो ड्यू टू लैक ऑफ सो मेनी थिंग्स आप बस ऐसे ही पढ़ते हो, मतलब चिल मारते हो। नहीं, आई वॉज ऑल अबाउट कि मुझे सब जानना है, मुझे सब करना। दैट्स व्हाट एल्डर पीपल से कि अगर आप स्टैग्नेंट नहीं हो, अगर आप फ्लो कर रहे हो देन यू आर ग्रोइंग, अदर देन आप स्टैग्नेंट हो तो मतलब आप स्टिंग करना शुरू कर दोगे। तो यही था लॉजिक मेरा पूरा। जब मैं अपने कॉलेज में थी तो मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप्स करे, लाइक IITs, कोलफील्ड्स लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में भी गई थी मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। पर मेरा एक्चुअल ड्रीम था कि DRDO और ISRO जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर रिसर्च करूं, बिकॉज शुरू से ही रिसर्च ओरिएंटेड थी। बट माइंडसेट में चेंज आया सडन जब मैंने कॉलेज पास किया। आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू ISRO फॉर माय ट्रेनिंग, लाइक हमारे मास्टर्स में हमें अपनी थीसिस बनाने के लिए या अपनी रिसर्च करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करना होता था, दैट कैन बी प्राइवेट एंड दैट कैन बी गवर्नमेंट। तो मैंने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर छोड़ के किया, चूज किया प्राइवेट जॉब। एक प्राइवेट कंपनी में गई क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था कि वहाँ का माहौल कैसा होता है, वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज लाइक कुछ कर गुजरना है, तो मेरे को भी कुछ कर गुजरना था। तो वहाँ पे गई, वहाँ पे काम किया, वन ईयर आप लगा लो, वहाँ पे इंटर्नशिप करी, मतलब अपना मास्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आई जॉइन दैट कंपनी। मैंने वहाँ पे जॉब की एंड आई वॉज अनोयड फ्रस्ट्रेटेड बाय द वर्किंग एनवायरमेंट। जिस चीज़ को सुन के वहाँ पे आई थी उसी चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत हो रही थी, जो चलता रहता है कि ऐसे काम करना है, दिन रात काम करना है, मर जाना है काम करते करते, सोना भी नहीं है, काम करते रहना है। तो आई थॉट कि द टाइम इज़ हियर कि मैं चेंज करूँ अपने ड्रीम जॉब में। आई अप्लाइड फॉर इट, एंड नोट कर लो कि जब मैंने अप्लाई किया था उसके लिए बिना कुछ बैकअप रखे हुए, आई टुक अ रिस्क। तो द पॉइंट इज, थोड़ी सी फिलोसफिकल होंगी कि हमेशा बैकअप रखना जरूरी नहीं है। नेचर्स आर्किटेक्चर। तो फाइनली द डे अराइव्ड, ये नहीं ज्वाइनिंग का, नहीं इंटरव्यू, एंड आई हैड नो पेपर्स मतलब आधार कार्ड, मार्किंग शीट, लास्ट जॉब क्या किया, CV, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं था मेरे साथ। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाते हो, इंटरव्यूज के लिए जाते हो, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पेपर डॉक्यूमेंट्स की, मेरे पास वो कुछ भी नहीं था। आई जस्ट वेंट देयर, ये कॉन्फिडेंस देख रहे हो, यही चाहिए जिंदगी में। तो चले तो गए, गलत प्लेस पे गए, और वो भी टाइम पे नहीं गए। वहाँ पे पहुंची मैं जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था ना, आई वॉज लाइक कि मुझे DRDO में जाना है, वहाँ देखना है कि वहाँ पे है क्या, मतलब कैसी कैसी बिल्डिंग्स हैं, कहाँ पे कौन सी लैब्स हैं। विद दैट मोटिव आई वेंट देयर, और वहाँ पे गई तो फॉर्चुनेटली इंटरव्यूज हो रहे थे एंड इट वॉज डिलेड, मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट एग्जाम था। तो मोदी जी, वाह, आई थिंक द लास्ट पर्सन टू गिव दैट इंटरव्यू, और वो भी बिना डॉक्यूमेंट्स के। तो somehow मैनेज हो गया था, ठीक है। तो DRDO ज्वाइन कर चुकी थी मैं, एंड आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मेरे वर्ल्ड में। पापा जी वॉज वेरी प्राउड, बट देयर इज ऑलवेज अ बट। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे काम करने की कोशिश की और करा भी, लेकिन कुछ भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था वहाँ पे। आई वॉजंट मेकिंग अ चेंज इन माई लाइफ ऑल्सो। तो धीरे धीरे टाइम पास होते गया, मेरी लैब शिफ्ट हो गई फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, लेकिन वहाँ पे काम बैड टू वर्स हो गया। अगर मैं पेपर भी, एक पेपर एक डॉक्यूमेंट भी अपने ऑफिस से किसी और लैब में ले जाके रख देती थी तो एवरीबडी वॉज क्लैपिंग, क्योंकि आई डिड अ ग्रेट जॉब एंड दैट वॉज द ओनली जॉब दे हैड, चाय पियो और पेपर इधर उधर ट्रांसफर करो। सो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड अगेन, एंड दिस टाइम देर वॉज ह्यूज फ्रस्ट्रेशन, मतलब पिछले बार भी ह्यूज ही था वैसे। इस टाइम फिर से छोड़ दिया बिना बैकअप प्लान के। सो The time again arrived. अभी इस बार जो जॉब मिली थी वो प्राइवेट जॉब थी। मिली क्या थी, इस बार इंटेंशनली मैंने प्राइवेट जॉब ही ली। सरकारी जॉब में काम करके कोई भी राजी नहीं है, मतलब जैसे बाहर सुना था वैसे ही कुछ, मतलब ओवरऑल वहाँ पे हो रहा था। अब आई डोंट नो कि हर जगह होता है कि नहीं, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लड़ना मत। अब आई बारी मेरे हाईएस्ट पेइंग जॉब, इसको देख के आपने क्लिक किया भाई, बहुत मेस्मराइजिंग काम, भर भर के
तो काम बहुत किया मैंने, बहुत लेबोरियस हूँ मैं, शुरू से ही बहुत हार्ड वर्किंग हूँ. दिन भर काम होता था, लाइक दिन भर और रात भर, सुबह के 4 बजे तक काम करके 9 बजे उठ के तैयार हो जाती थी मैं बिना नहाए धोए लैपटॉप के सामने आंखें गड़ा के सोती हुई. फिर भी सोते सोते भी काम किया मैंने. थिंग इज कि वर्क एनवायरमेंट काफी अच्छा था, लोग काफी सुलझे हुए थे, उनको पता है कि जिंदगी में और कुछ नहीं रखा, बस काम ही रखा है. और सैलरी, सैलरी वॉज द बेस्ट पार्ट. वही मोटिवेशन था कि मैं वहां पे फिर से 3 महीने टिक गई. तो उसके बाद जिस गेस की मैंने क्या किया होगा, बहुत ही बड़ा सा प्यारा सा रेजिग्नेशन लेटर लिखा और चिपका दिया एचआर के मुंह पे. बर्थडे के पहले सब काट दिया मैंने फिर से, मतलब बर्थडे के लिए पैसे जमा कर लिए, लेकिन उसके बाद का कुछ नहीं सोचा मैंने. दे आर नॉट लेटिंग मी गो बाय द वे, इतनी अच्छी थी मैं. बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द बोस्टिंग, कोशिश सब करते हैं अपनी कंपनी में एसेट रखने का, लेकिन थिंग इज वर्किंग एनवायरमेंट इतना अग्रेसिव था कि मतलब ऑल द टाइम दे वर लाइक कि कर क्यों नहीं रही हो कुछ. एंड आई वाज आल्सो लाइक कि कर क्यों नहीं रही हूँ मैं कुछ. इफ आई एम सिटिंग, इफ आई एम ईटिंग, कर क्यों नहीं रही हूँ मैं कुछ. नाउ आई एम हियर, नो मनी, एक सिक्का भी नहीं है पॉकेट में, बट आई एम एंजॉइंग दिस लाइफ एंड आई थिंक आई एम डूइंग ग्रेट एंड आई विल कीप ऑन डूइंग ग्रेट. अभी भी लर्निंग कर्व ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि इतनी स्टोरीज बताने के बाद आई एम सेट और मेरा दिमाग बहुत स्थिर रहता है एंड आई एम लाइक दैट पीसफुल काम, वो क्या कहते हैं, जेन एंड द मंक हु कैन नॉट सोल्ड हिज फरारी बिकॉज आई डोंट हैव अ फरारी. आई एम जस्ट सेइंग कि लर्निंग कर्व शुड बी इन एवरीबडीज लाइफ, क्योंकि सेटल हो जाओगे एक बार दिमाग से कि ऐसे ही चलती है लाइफ, वैसे ही रहेगी, रिस्क नहीं लोगे वहीं पर रहोगे. फिलोसफिकल लग रहा होगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब बुढ़ा जाओगे और उस अधेड़ उम्र में आओगे और शादी नहीं होगी और बाल नहीं रहेंगे, यू विल रियलाइज दिस. ठीक है, नहीं है थोड़े से. I'm taking risks and I'll keep on taking risks. I'm learning to be a YouTuber. ये जो बीच में मतलब बहुत ज्यादा टीचर जैसे हो जाती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक दिस ओनली. सब कुछ छोड़ तो दिया, पैसे भी नहीं है, अब कर क्या रही हूँ मैं यहाँ पे. आई वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट लिटिल थिंग्स, मतलब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसको जानने के बाद सबको बता देना चाहती हूँ कि भाई इतनी अमेजिंग चीजें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ करो ना. क्योंकि क्या होता है कि आप सारी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो. तो समटाइम्स आई रीड अबाउट थिंग्स एंड आई गेट टू नो अबाउट थिंग्स जो मेरे बस में नहीं है, बिकॉज इतनी भी वास्ट नॉलेज नहीं है. तो आई होप जो मैं ये कर रही हूँ उससे आगे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो चेंज कर रहा होगा, नहीं तो मैं खुद तो हूँ ही तैयार. बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ चेंज एंड राइट नाउ आई एम लुकिंग आउट फॉर घोस्ट विलेजेस इन उत्तराखंड. इंटरेस्टिंग, बट विल आई फाइंड देम और नॉट, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड.